अच्छा ही लगता है, खुशी है बहुत आज के मुझे यहाँ मौका मिला यहाँ आने का, और बड़ी खुशी की बात है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं अपने काफ़ी पुराने दोस्तों को मिलने वाला हूँ, जैसे कि अभी साथ में आपने देखा मैं और अनुपम साथ में आए, तो यही मौके होते हैं हम लोग को मिलने के, अवार्ड सेरेमनी में कभी कभी। और आपको इतना नॉलेज है अबाउट बॉलीवुड, क्या आप एक चीज़ बताएंगे, आपने बाहुबली फिल्म पहले देखी है? पहली वाली देखी, अभी दूसरी देखी नहीं, दूसरी देखी। सर बाहुबली के बाद सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट आने वाली है, बाहुबली ऑलरेडी 1500 करोड़ कमा चुकी है एंड इसके बाद अब ट्यूबलाइट, आपको क्या लगता है कोई कुछ प्रेशर है सलमान खान के ऊपर या फिर क्या उन लोगों के ऊपर प्रेशर होगा जस्ट टू यू नो मैच दैट बेंच लॉक? जी सलमान साहब को हर साल एक बाहुबली देते हैं तो उनको मुझे लगता नहीं प्रेशर होगा। अभी तो बहुत इट्स टू अर्ली फॉर मी टू स्पीक अबाउट द फिल्म एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, सो वंस व्हेन एवरीथिंग इज फाइनलाइज, जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा जब मैं उस फिल्म के बारे में बात करूँगा। मगर बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम जरूर एक फिल्म करेंगे और हो सकता है कि शायद यही फिल्म। मुबारक है, अभी अभी खबर आई है कि कंफर्म हो गया, प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया है कि आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं। नो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम, बट इट्स टू अर्ली टू रियली यू नो स्पीक अबाउट इट। मुबारक है आपको बहुत-बहुत। हां बहुत बहुत, हां जी थैंक यू। फिल्म भी आ रही है आपकी? हां जी 28 जुलाई को रिलीज हो रही है। मुबारक है, और बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कभी कोई फिल्म आज करता है, और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं हाल ही में कह रहा था कि मुबारक देखकर मैंने पहली भी कहा कि किसी मेरे ख्याल से चैनल पर कि सबसे ज़्यादा खुश मेरी माँ होगी जब वो अपने बेटे को भी देखी फिल्म में और अपने पोते को भी। हमारी भी यही शुभकामनाएं आपके लिए। एक चीज़ और कहना, भारतीय क्रिकेट टीम को कोई शुभकामनाएं दे दीजिए, दे आर प्लेइंग द चैंपियनशिप 4 तारीख को एक मैच, अभी तक दो मैच हुए, दोनों बार मैच जीते हैं, और मैं यू नो सी लाइक स्पोर्ट्स का आप कुछ कह नहीं सकते, यू नो समटाइम्स इवन द बेस्ट टीम यू नो, बट माय ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज यू नो विश ऑल द बेस्ट टू द इंडियन टीम एंड आई थिंक होपफुली आई थिंक दिस टाइम आई थिंक दे विल डू लाफ। पहले दो मैच हुए तो जीत चुके हैं, 4 तारीख को स्पोर्ट्स डेफिनेटली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मैच तो होना चाहिए, मगर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है। सर लास्ट क्वेश्चन,